हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि WWE में चीज़ें फेक होती हैं या फिर ओरिजिनल होती हैं, तो इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और आपने अभी तक कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। तो हम बात करेंगे WWE के, जो सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया से ग्रेट खली गए हुए थे और उन्होंने काफ़ी जो है नाम कमाया वहाँ पर, और उसी के बाद से बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने स्टार्ट कर दिया कि WWE में पंचेस फेक होते हैं, चीज़ें फेक होती हैं, खून वगैरह जो है सब फेक होते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बट धीरे धीरे जब जाके जो है पता चला कि एक बारी जो है जॉन सीना, अंडरटेकर और इन लोगों की स्क्रिप्ट भी लीक हो गई, और उसके बाद से जो है पब्लिक में जो है सामने आ गया कि जो उसमें पिटाई होती है वो तो असली होती है, बट अगर आप देखोगे वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि ब्लड, खून वगैरह, वो सब चीज़ें कैप्सूल वगैरह का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, खैर अब तो WWE में ब्लड बैन हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें WWE ने सुधार ली हैं जब से उनका नाम ख़राब हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन WWE अब पहले वाला WWE नहीं रहा, क्योंकि अब उसमें उतना ब्रूटल तरीके से मार कुटाई नहीं होती है जितने ब्रूटल तरीके से पहले होती थी। अब वही सेम चीज़ AEW वाले कर रहे हैं, एकदम भयानक तरीके से मारपीट करते हैं ये लोग, मज़ा आ जाता है देखने में। क्या आप इस बात से सहमत हो या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर बात करें हम रॉ स्मैकडाउन की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है स्मैकडाउन, क्योंकि उसमें रोमन रेंस आते हैं, और रॉ में कुछ खास हैं बड़े बड़े सुपरस्टार, बट पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे कोई किसी एक बड़े सुपरस्टार की कमी है। कोडी रोड्स हैं यहाँ पर, सेथ रॉलिंस हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खाली खाली सा अधूरा सा लगता है मंडे नाइट रॉ मेरे को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, बट मुझे तो एकदम अधूरा सा लगता है रॉ। स्मैकडाउन मुझे भरा भरा सा लगता है, उसमें सुपरस्टार कम है, स्टार पावर कम है, बस रोमन रेंस आ जाते हैं तो पूरा सारी चीज़ें फुल हो जाती हैं यहाँ पर। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आपको क्या लगता है मंडे नाइट रॉ अच्छा है या फिर स्मैकडाउन अच्छा है। और बाकी चीज़ें अगर बात करें तो WWE का मनी इन द बैंक होने वाला है जुलाई में, जून में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है इनका, और AEW वालों का है। आई डोंट नो जून में क्यों नहीं, क्योंकि मई में दो इवेंट हो गए, हो सकता है इसलिए जून में उन्होंने नहीं किया कोई भी इवेंट, बट देखने में मज़ा आएगा कि अभी तक भी मैच फाइनल नहीं हुए, क्योंकि अभी रॉ स्मैकडाउन में उसका चल रहा है, अभी फाइनल का चल रहा है चीज़ें, लोग आके लड़ रहे हैं और क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं, बट आई डोंट नो अभी फाइनल नहीं हुआ है मैच का। बट रोमन रेंस का जिमी ऊसो के साथ होने वाला है, या फिर जिमी ऊसो और जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का होने वाला है टैग टीम, ये भी फाइनल नहीं हुआ है। WWE इस पर काम कर रही है, या फिर उन्होंने फाइनल कर लिया होगा, अभी तक रिवील नहीं करा है, पर सून हमें पता चला है जैसे जैसे कि कहानी बढ़े, क्योंकि अभी पूरा महीना बचा हुआ है, तो जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें हमें आज काफ़ी तक क्लियर दिखाई पड़ेंगी कि रोमन रेंस का फ्यूचर क्या है, ब्लड लाइन का क्या है, सोलो सिकोवा का क्या है। लेकिन सोलो सिकोवा ने जिस तरह से जो है अपने भाइयों का साथ दिया था शुरुआत में, लग गया था कि भाई रोमन रेंस तो अकेले हो गए, बट नहीं, जैसे ही जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को धक्का दिया उसके बाद सोलो सिकोवा का पारा गर्म हो गया, और सोलो सिकोवा ने काफ़ी तकड़ा हमला कर दिया जिमी ऊसो पर, और ये काफ़ी चीज़ देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग सी लगी। मुझे तो लगा था कि जो है रोमन रेंस का ख़त्म है करियर, अब वो अकेले ही आएंगे और लात खाएंगे, ये दोनों मिल के मारते इनको, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई और ये सब चीज़ें होती रही WWE में। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमने 1,00,000 कंप्लीट कर लिया, हमारा सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, हम उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे आपके सामने। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, टेक केयर, बाय बाय।